भोपाल की महापौर मालती राय ने सरकार द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल चलित रसोई योजना का औचक निरीक्षण किया और भोजन की खराब क्वालिटी पर आपत्ति जाहिर की और रसोई संचालित करने वाली संस्था को चेतावनी दी कि अगर वो भोजन ठीक से नहीं बनाएंगे तो उनका टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। महापौर मालती राय ने अचानक निरीक्षण के दौरान देखा कि अशोका गार्डन चौराहे पर दीनदयाल चलित रसोई योजना में भोजन खराब क्वालिटी का दिया जा रहा है। इसके बाद मेयर मालती राय ने कहा कि जिसके द्वारा ये रसोई संचालित की जा रही है उसको हमने हिदायत दी है। नगर निगम द्वारा ये योजना किस लिए चलाई जा रही है कि भोपाल की जनता को 5 रुपये में भरपेट भोजन मिल सके। महापौर ने कहा कि जिस संस्था के द्वारा ये रसोई चलाई जा रही है उसको हिदायत दे दी गई है, अगर वह भोजन की क्वालिटी सही नहीं करते हैं तो उनका टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। निश्चित ही भोपाल की जनता को 5 रुपये में भरपेट शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन मिल सके, इस तरह की योजना पूर्व से हमारी संचालित थी और अचानक मैंने अशोका गार्डन चौराहे पर एक चलित भोजनालय जो हमारा रसोई है उस चलित रसोई का हमने निरीक्षण किया और उसमें जो कमियां पाई हैं जिसके माध्यम से वो चलित रसोई चलाई जा रही है निश्चित ही हमने उसको रिमाइंडर करवाया है। यदि क्वालिटी हमारी मेंटेन नहीं हुई तो हम उसका टेंडर निरस्त करवा देंगे, क्योंकि भोपाल की जनता को यदि 5 रुपये में भरपेट भोजन दे रही है नगर निगम तो इसलिए भोजन दे रही है कि वो स्वादिष्ट भोजन को कर सके। हमें भार समझ के जनता को भोजन नहीं करवाना है, हमें स्वादिष्ट भोजन करवाना है, तो इसलिए मैंने आज चलित रसोई का औचक निरीक्षण किया है और उसमें जो कमियां पाई गई हैं अधिकारियों को बताया गया है उन कमियों को दूर करवाया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।